अनिश्चितता का काल एक ऐसा काल होता है जहां बड़ा कंप्लेन करने का दिल करता है। तो किस चीज पे कंप्लेन करने का दिल करता है? अनरियल एंड इमेजिन थिंग्स। जो जीतना जानते हैं ना, वो कंप्लेन नहीं करते। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं, कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला जो मैंने लाइफ में देखा है कि फॉरगेट अबाउट कंप्लेन एंड फोकस ऑन बीइंग ग्रेटफुल। कृतज्ञता ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज है कंप्लेनिंग से। अरे कृतज्ञ रहो कि जिंदा हो, कृतज्ञ रहो कि बुद्धि है अभी भी चल रही, कृतज्ञ रहो कि स्टाफ है, कृतज्ञ रहो कि ऑफिस है, कृतज्ञ रहो कि तुम्हारे हाथ पैर सलाम है। तो मैं हमेशा बोलता हूं फॉरगेट अबाउट कंप्लेंट्स एंड फोकस ऑन योर ग्रेटिट्यूड। और मैंने तो 35 साल पहले ये डिसीजन ले लिया था कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्यों नहीं करूंगा कंप्लेन, क्योंकि मेरे को ये बहुत साल पहले 35 साल पहले समझ में आ गया कि कंप्लेनिंग टेक्स अवे योर पर्सनल पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपकी एक पर्सनल पावर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन जब आप कंप्लेन करते हैं ना, वो जो पावर है ना, वो आप गवा बैठते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम है, उसको आप अगर कंप्लेन नहीं कर रहे हो ना, तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। लेकिन आप कंप्लेन कर रहे हो, आप नाराज हो, अपसेट हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो जब आप कंप्लेन कर रहे हो ना, तो आपकी जो बुद्धि है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो चली जाती है। तो कंप्लेनिंग टेक्स अवे योर पर्सनल पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये पहली बात। दूसरा, कंप्लेनिंग अट्रैक्ट्स अदर कंप्लेनर्स। तो जैसे आप कंप्लेन करते हैं, तो जितने इंडिया में और वर्ल्ड में दुखी आइटम लोग हैं, आत्मा लोग हैं, वो साले मधुमक्खी के मार्फत आपके आजू बाजू मंडराने चालू हो जाएंगे और आप पे चिपक जाएंगे। और तीसरी बात जो होती है ना, वो ये है कि ये जो कंप्लेनर्स है ना, इनके बीच में कॉम्पिटिशन चालू हो जाता है कि किसके पास ज्यादा कंप्लेन है। वो बोलता मेरी बीवी के साथ प्रॉब्लम है, तो मेरे को बोलता बीवी और बच्चों के साथ मेरे को प्रॉब्लम है। वो बोलता मेरे को तो बीवी बच्चे और काम वाली के साथ प्रॉब्लम है। वो बोलता मेरे को बीवी बच्चे काम वाली और ऑफिस से प्रॉब्लम है। वो बोलता मेरे को यार बीवी बच्चे ऑफिस से काम वाली से और दुनिया से प्रॉब्लम है, और पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम है, और प्राइम मिनिस्टर से प्रॉब्लम है। तो कंप्लेनिंग का कोई एंड नहीं होता, और कंप्लेनिंग जो है ना, आपको पावरलेस बना देता है। वही आदमी जो कंप्लेन नहीं कर रहा था, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और वही आदमी जो कंप्लेन कर रहा है, वही आदमी कंप्लेन को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो इतना तो हमें समझना चाहिए कि कंप्लेनिंग एक बीमारी है, और उसे हमें, और कंप्लेन भी आदमी किस चीज का करता है? रियल और इमेजिन थिंग, जो हुआ नहीं उसके ऊपर कंप्लेन कर रहा है। तो सबसे बढ़िया है ऑपोजिट गेम है फोकस ऑन बीइंग ग्रेटफुल। कृतज्ञ रहो, कृतज्ञ रहो, दुनिया में आपको बहुत कुछ मिला। मैं एक न्यूज़पेपर वेंडर होता था, घर घर में जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था, और यूरेका फोर्ब्स का मैं डोर टू डोर सेल्समैन होता था। वहां से यहां तक तो कितना लंबा सफर तय किया। इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे जाना माना स्पीकरों में माना जाता हूं। किस चीज की कंप्लेन करो और क्यों करो, और क्या फायदा, क्या देती है वो कंप्लेनिंग? क्या मेरे को ताकत वाली बनाती है कंप्लेनिंग? तो मैं चला 24 घंटा करूं फिर। अगर कंप्लेनिंग मेरे को ताकत वाली बनाती है, और मेरी ताकत को, और मेरी श्रद्धा को, और मेरी कमिटमेंट को, और मेरा जुनून को, और मेरा डेडिकेशन को कंप्लेन बढ़ाता है, तो चलो जी हम तो 24 आवर्स कंप्लेन करें। लेकिन कंप्लेनिंग श्रद्धा, कमिटमेंट, जुनून, जोश और पागलपन को कम करता है। वो आपकी शक्ति को खलास करता है, आपकी अंदरूनी जुनून को मिटा देता है। एंड देयरफॉर कृतज्ञ रहो हर वो चीज के लिए। कृतज्ञ रहो कि जिंदा हो, कि सांस ले रहे हो, आपका स्टाफ आपके साथ है, आपकी बीवी आपका साथ है, आपका बच्चा आपके साथ है। कृतज्ञ रहो कि दुनिया में आपको बहुत कुछ मिला है। तो अनिश्चितता के काल में फॉरगेट अबाउट योर कंप्लेंट्स एंड फोकस ऑन बीइंग ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल रहिए, कृतज्ञ रहिए, अपने कंप्लेंट्स को भूल जाइए और कृतज्ञता को व्यक्त कीजिए। यही मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।